देखो ये एक ऐसा दिन था जिसको दुनिया, देश, हमारे प्रदेश, यहाँ के लोग तो कभी भूल ही नहीं सकते। और जिस तरह से आज भी अग्नि पीड़ित के लोग जो हैं, इनके मासूम बच्चे चले गए, जो कुछ लोग सभी हम, किसी का 50% हिस्सा चला गया, किसी का 70% गया, एक बच्ची तो 90% वाली भी है। अब सरकार को 100% ऐसे बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि इनको आप नौकरी प्रदान करें, लेकिन इनके लिए कोई ऐसी अलग से एक योजना बनाई जाए जिसमें पेंशन के रूप में इनको एक पैसा दिया जा सके, जिससे ये कम से कम छोटा मोटा अपना काम खड़ा करें, उससे इनका टाइम पास हो। कमाई की बात नहीं, टाइम पास की ज़रूरत है। कैसे ये बच्चे अपना वक्त गुजारें, उसके लिए 100% इनको कोई जॉब मिले, इनको कोई पेंशन मिले, कोई इनको छोटा मोटा कोऑपरेटिव का कोई और इस तरह का धंधा जो सरकार की तरफ से दिया जा सकता है वो होना चाहिए। हम 100% इन बातों पे विचार करेंगे। अभी 28 तारीख को सेशन है, मैं उस सेशन के अंदर भी मुख्यमंत्री से इस बारे में चर्चा करूंगा और कहूँगा कि भाई हमारे वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ज़रूरत है आज। ये ठीक है कि हमारी भी गवर्नमेंट थी, हम भी उस वक़्त नहीं कर पाए, और भी गवर्नमेंटें बहुत रही नहीं कर पाई, लेकिन आज महसूस हो रहा है कि ये चीज़ें सब होनी चाहिए थी, ज़रूरी है। मैं मुख्यमंत्री पे कोई राजनीतिक बात नहीं करूँगा, एक सामाजिक और सोशल जिम्मेवारी जो सरकार की है उसके लिए उनसे कहूँगा। अगर उन्होंने किया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो परमात्मा ने अगर हमें टाइम दिया तो हम 100% इन चीज़ों के लिए फैसला लेंगे, 100% ऐसे विक्टिमाइज लोग जो हैं उनको हेल्प करेंगे। 11 लाख रुपए की घोषणा की आपने आज? मैंने 11 की है, मैंने ये भी कहा है इसके लिए अगर 21 लाख की ज़रूरत पड़ी तो 21 भी दूंगा, और 21 से ज़्यादा की ज़रूरत पड़ी तो वो भी हम करेंगे। सर क्या प्रोजेक्ट होगा? हमने इनसे कहा, ये कहने लगे कि हम एक हॉल बना रहे हैं। मैंने कहा हॉल बनाओगे उस हॉल से क्या फ़ायदा होगा, हॉल में सिर्फ आकर के लोग बैठ सकते हैं। उस हॉल बनाने की बजाय उस हॉल के अंदर कोई ऐसा एजुकेशन का कोई सिस्टम एडॉप्ट करो जिससे ये बच्चे भी, इनके फैमिली के बच्चे भी आगे अच्छी एजुकेशन ले सके, वो बच्चे आगे कल को अपना भविष्य तय कर सके। तो उन्होंने कहा कि हम इसके लिए कंप्यूटर सेंटर बना लेंगे। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, आप कंप्यूटर सेंटर बनाओ, उसका एस्टीमेट बनाओ, मुझे एस्टीमेट दो, हम आपको जो चीज़ें यहाँ पे चाहिए वो सारी मुहैया कराएंगे। और उसके अलावा जो कंप्यूटर का टीचर होगा जी, वो टीचर भी हम अपने चौधरी देवीलाल ट्रस्ट की तरफ से रखेंगे, जननायक चौधरी देवीलाल का ट्रस्ट है, उसमें उसको जॉब दे करके ये जिम्मेवारी सौंपेंगे।